हरिओम प्रणाम। मैं आचार्य गार्गी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है दिल्ली पुलिस के ASI श्री संजीव जी। हमारे साथ 3 महीने से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक इंजरी हुई थी इनके साथ घुटने में, जिसमें लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था, लिगामेंट टूट गया था बीच में, फिर टीयर आ गया था, उससे रिलेटेड इनका यहाँ पे थेरेपी चल रही थी। तो जानते हैं कि इन्हीं के मुंह से जानते हैं कि कैसे कैसे ये सफर रहा आपको। जी सर, करीब 2007 मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट भी ऐसा था कि भरा हुआ ऑटो पैसे उतार के लेकर था। उस वक्त मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं कुछ लिगामेंट टूट गया, लेकिन हाँ मैं स्विमिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी। 7 साल बाद इसमें थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ, बढ़ते 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 पेन इतना हुआ मुझे चलना भी मुश्किल हो जाता था। मैंने डॉक्टर साहब को दिखलाया, उन्होंने कहा MRI कराइए। मैंने MRI कराया, डॉक्टर साहब ने MRI देख के बताया कि आपका जो लिगामेंट जो है वो टूट चुका है और गैप इतना है कि उसमें हड्डियाँ जो है घिसनी शुरू हो गई, और आपका एक ही इलाज है, ये एक्सरसाइज है, इसे करते रहो जब तक ठीक है, चलता चल रहा है, नहीं तो ऑपरेशन आपका एक ही इलाज है। तो उसके बाद मुझे एक शख्स, मैं ट्रेनिंग में था, SI किशोर साहब मिले, जिन्होंने मुझे यहाँ के विषय में बतलाया। मैं यहाँ पे आया, जब मैं यहाँ पे आया मुझे 3 महीने हो गए यहाँ कंटिन्यू आते हुए, और अब मैं इतना ऐसा महसूस कर रहा हूँ बिल्कुल फिट, मुझे कोई तकलीफ नहीं है तब से। और रिपोर्ट्स भी कराई सर ने, रिपोर्ट्स में भी लिगामेंट टीयर पूरी तरह से हील अप हो गया है, कोई लिगामेंट टीयर का निशान नहीं है उसमें, सबसे बड़ी बात यही है। इसीलिए हम रिपोर्ट्स के साथ ही बात करते हैं। और आराम तो सर को शुरू में ही बड़ी जल्दी ही पता लगने लगा था, कुछ ही दिनों में। वो तो एक हफ्ते में ही मुझे महसूस हो रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि हम रूट कॉज पे काम करते हैं, पूरे एक प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट का, उसी पे काम करते हैं, जिससे कि इनकी एसिडिटी कम हुई जो पहले बहुत ज्यादा बनती थी, वो अब ऑलमोस्ट जीरो के। भूख बिल्कुल नहीं लगती थी, और अब भूख इतनी लगती है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा भूख। और वही एसिडिटी बनती थी तो वो भी आपको वो खत्म हो गई। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यही है कि जब आप एक पूरे तरीके से किसी चीज पे काम करते हैं तो आपको रिजल्ट 100% मिलता है। बहुत से लोगों का ये विचार है, और सब डॉक्टर्स ने मुझे सर को बोला कि लिगामेंट तो हो ही नहीं सकता कि दोबारा से बन जाए या दोबारा से हील अप हो जाए, वो एक बार टूट गया तो टूट गया। पर यही चमत्कार है इस थेरेपी का कह लीजिए या हमारे प्रोसेस का, कि धीरे धीरे जब हम डाइजेशन पे काम करते हैं, एसिड पे काम करते हैं, जो एसिड और एल्कलाइन का बैलेंस बॉडी के अंदर होना चाहिए उस पर को पूरी तरह से मेंटेन करते हैं, तब धीरे धीरे वो डाइट और पूरी थेरेपी के साथ साथ वो चीजें दोबारा से बनने लग जाती है और हील अप हो जाती है। इवन गैप भी अगर घिसने लगा, गैप भी दोबारा से क्रिएट हो जाता है। ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब एसिड को हम मेंटेन कर लेते हैं बॉडी के अंदर। बस इसी के साथ सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आए उन्होंने समय निकाला। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ करीब 95% आज की स्थिति को देखते हुए मैं फिट हूँ। बहुत बहुत खुशी की बात है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही स्वस्थ रहें। सर का तो बहुत ज्यादा साथ रहा, जब तक पेशेंट का पूरी तरह से साथ ना हो तब तक वो रिजल्ट नहीं आता है। तो पूरा जो जो चीजें बताई, एक एक चीज वैसे उन्होंने फॉलो करी, जो जो डाइट बताई कि ये नहीं खाना है, दाल नहीं खानी, कड़ी नहीं खानी, और भी जो जो चीजें, वो बिल्कुल वो दिन है और आज का दिन है, सर ने हाथ नहीं लगाया। और जितना सब उन्हें चीजें बताई, एक बार यहाँ कर रहे थे फिर घर पे भी कर रहे थे, तो और बहुत नियम से, तो ये बहुत डेडिकेशन वाली बात है। और विश्वास, दो चीजें अगर पेशेंट के साथ है कि पूरी 100% विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और दूसरा उसका फुल डेडिकेशन है कि जो जो बताया है मुझे 100% फॉलो करना ही करना है, तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो उसे ठीक ना कर पाए, वो 100% यहाँ से ठीक होकर ही जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का, सर ने बहुत सपोर्ट खुद भी किया इसीलिए आज वो इतने स्वस्थ और बढ़िया है। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद माधवम योगपीठ में।